आराम से आराम से माइक तो पहुंचने दीजिए ना भाई। कोई लेटर पर कार्रवाई हुई है, दो पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, क्या बड़ी अधिकारियों को बताया जा रहा है? ये कार्रवाई केवल आई वॉश है, सबने उस घटना को देखा आगे लगा लोगों, और मात्र दो पुलिस कर्मियों को जो है बलि का बकरा बनाया गया। इसमें जो बड़े अधिकारी जो है नानलदा टाइप के जो लोग हैं, जिन अधिकारियों को लगाया गया था, कुछ ऐसे MLC हैं जो सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल रखते हैं, क्या कोऑर्डिनेशन था? और ऐसे अधिकारी के टच में थे जो नालंदा मॉडल के अधिकारी के टच में थे, मिल करके क्या किया गया वो सब लोगों ने अपने आंखों से देखा। वो फुटेज हमारे पास है, लगभग सैकड़ों 50 से 100 से भी ज़्यादा तादाद में जो पुलिसकर्मी जो लोग हैं वो गए, अधिकारी गए। कौन ऑर्डर दे रहा था? दो मात्र पुलिसकर्मी को हटाना यानी पूरी तरीके से ये पूरी घटना का आई वॉश कराने के बराबर। नीतीश कुमार जी को RSS और BJP के सामने कहने की कोई हैसियत नहीं है। आप किससे कह रहे हैं? आप खुद हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं उस सरकार के। अगर केंद्र सरकार नहीं करती है तो हम तो कहेंगे कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर करा ले। ये केवल मुख्यमंत्री जी को महंगाई पर वो गौर नहीं करते, पता नहीं और कितना साल लगेगा उनको महंगाई पर गौर करने का। बेरोजगारी देश में लगभग जो है नेशनल एवरेज से 3 गुना बिहार के ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये भी उनको नहीं पता चलता है। उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि बिहार में लगभग जो है सबसे ज़्यादा वैक्सीन बर्बाद हुए हैं, बिहार राज्य नंबर 1 पर है। तो नीतीश कुमार जी को तो कुछ पता कहाँ रहता है? नीतीश कुमार का नाम भी नहीं लेते, युवा विरोधी है, मानते हैं कि युवा विरोधी है नीतीश कुमार। लोगों छोड़िए नीतीश कुमार जी ने बिहार का सत्यानाश कर दिया है। उसमें केवल युवा विरोधी नहीं बल्कि वो विकास विरोधी हैं। विकास हर पैमाने पर आप देखिएगा बिहार सरकार फेल हो चुकी है, फिसड्डी हो चुकी है। बढ़िया।